देखो बेटा नर्स इक्वेशन की एप्लीकेशंस, तो हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशंस ऑफ नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशंस। एक एप्लीकेशन तो आप पढ़ ही चुके हो कि इसका कहां यूज था, और वो था टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस बाय स्टैंडर्ड कंडीशंस, बाय गिवन स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। सेकेंड, अब आप हमारे पास एक और एप्लीकेशन जो बची हुई है वो पढ़ रहे हैं। पहला टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, जैसे आपके पास कोई है कंपाउंड, ये है कोई रिएक्शन है और वो इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, तो इस जगह आप भी बताइए इस जगह क्या क्या चीजें रहेगी। डेल्टा जी जीरो होगा, हाँ बोलो यस और नो, और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्यू दोनों बराबर होंगे, क्यों यहां पर रिएक्शन कोएफिशिएंट है और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पक्का। क्या डेल्टा जी नॉट जीरो होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, वी कांट से। जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जीरो कब होगा? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हो, कंडीशंस हो, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब इस जगह डेल्टा जी नहीं होगा। इससे एक और पता चल रही है कि इस जगह ई नॉट सेल की वैल्यू नॉट जीरो, जबकि यहां पर एक और चीज हमारे को पता चल रही है, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ई सेल की वैल्यू क्या होगी, वो भी जीरो होगी, पक्का डेल्टा जी जीरो होगा। और ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या होती है, माइनस एन ई नोट एफ। तो ये जीरो है तो ये भी जीरो है, क्योंकि इसी की वजह से आएगा, ये दोनों तो कांस्टेंट है। और यही चीज यहां पर होता है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, एन ई एफ। ये जीरो नहीं है तो ये भी जीरो नहीं है, अगर ये जीरो होता तो ये वैल्यू जीरो हो जाती और ये भी जीरो हो जाता। ये जीरो है, हाँ सॉरी, ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, और ये जीरो नहीं है तो ये भी जीरो नहीं होगा, क्लियर है। अब नर्स इक्वेशन हमारी कैसे मदद करता है? नर्स इक्वेशन कहता है कि ई सेल की वैल्यू जो होती है वो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर लॉग क्यू। अगर इक्विलिब्रियम है, इफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो नहीं हुआ, माइनस 0.0591 एन फैक्टर लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये दिया जाना चाहिए, ये निकालोगे, बात एक ही है। तो एक सेकंड के लिए बताओ आप लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये उस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, तो पहले तो ई नोट एन फैक्टर ई नोट सेल 0.0591, इसको राउंड फिगर में 0.06 लिख दूं मैं, तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 10 पावर जाएगा क्योंकि उधर है एन फैक्टर E नॉट सेल 0.0591। इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये तो रही फर्स्ट एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन है जो आपका इंतजार कर रही है, पहले ये लिखो। कंसंट्रेशन सेल भी अपने आप में एक नर्स इक्वेशन की ये एप्लीकेशन है क्या, पहले ये समझते हैं। कंसंट्रेशन सेल अब इतना तो जानते हैं कि हम यहां पर मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे होते हैं, एनोड, सेम मेटल आयन अगर हम कैथोड भी यूज कर लें तो क्या होगा, ये होगा कि ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। नहीं समझ में आ रहा, समझते हैं। इफ एनोड एंड कैथोड बोथ इलेक्ट्रोड आर आर सेम टाइप, इलेक्ट्रोड, इट मींस दे यूज
सेम नेचर सब्सटेंस है, सेम नेचर सब्सटेंस, इसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने यहां पर एक इलेक्ट्रोड लिया और उसका नाम है जिंक, जेड एन प्लस टू, जेड एन सॉलिड, समझ में आ रहा है। और इस तरफ जो इलेक्ट्रोड यूज किया वो भी जेड एन यूज करा, जेड एन प्लस टू, ये बीच में आपने क्या यूज किया, सॉल्ट बीच। आप मेरे को बताइए इसकी ई नोट की वैल्यू क्या है, जेड एन से जेड एन प्लस टू की 0.65, और यहां ई नोट जेड एन प्लस टू से जेड एन के बीच की क्या है वैल्यू, -0.65। तो बताइए इस जगह ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, जीरो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्योंकि, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, क्या करंट फ्लो होगी क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं यहां पर अलग अलग कंसंट्रेशन रख देता, यहां कंसंट्रेशन सी वन रखता, यहां कंसंट्रेशन सी टू रखता, तो फिर ई नॉट सेम, ई नॉट सेल जीरो है लेकिन ई सेल जीरो नहीं होगा। वो कैसे पता, वो क्या वैल्यू होगी, वो आप नर्स इक्वेशन से निकालोगे, तो करंट तो फ्लो होगा फिर। तो यानी कि इफ एनोड एंड कैथोड बोथ इलेक्ट्रोड आर सेम टाइप इलेक्ट्रोड, मींस दे यूज सेम नेचर ऑफ सब्सटेंस, बट कंसंट्रेशन ऑफ आयन और प्रेशर ऑफ, प्रेशर भी ले सकते हो, प्रेशर ऑफ गैस आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, नॉट सेम, देन देन वॉट, देन इसी के अंदर कंटिन्यू, देन E cell is not zero. तो बस, तो यहां पर अब आपके पास अगर E not E cell zero नहीं है तो इससे पता चल जाएगा डेल्टा G भी zero नहीं होगा, और अगर E not cell zero है तो यहां पर डेल्टा G not भी क्या होगा, zero। बस इसी को कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। और जो ई सेल की वैल्यू आएगी वो कैसे निकालेंगे, बाय नर्ड्स इक्वेशंस, बाय नर्ड्स इक्वेशन, बाय नर्ड्स इक्वेशंस। अब आपके पास ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट सेल जो कि अपने आप में जीरो है, माइनस लॉग क्यू, तो ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो माइनस लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इस जगह आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप क्या चाहते हो, ई सेल पॉजिटिव चाहते हो तो रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा, किससे, प्रोडक्ट से। तो हमेशा ध्यान रखना ई सेल की वैल्यू क्या चाहते हो आप, पॉजिटिव, if reactant concentration is more than product concentration, क्योंकि ये जैसे ज्यादा होगा तो ये log 1 से छोटी वैल्यू होगी, log 1 से छोटी वैल्यू होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, खत्म आपका काम, कोई डाउट नहीं है। तो जैसे जैसे आप इस कंडीशन में, क्योंकि E नॉट सेल तो जीरो है, जैसे जैसे रिएक्टेंट बढ़ाओगे और प्रोडक्ट कम करोगे, E सेल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। Is that clear? Yes or no? इसका एप्लीकेशन मैं फिर बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए यहां पर एक मेटल है, सॉरी H2H+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही है, यहां 2 लिख दो, और दूसरी तरफ भी, दूसरी तरफ H+H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये बैलेंस कर दिया, सही है, क्योंकि
क्योंकि गैस है, तो गैस को आप इस तरह से ले जाना पड़ता है आपको, इसमें गैस भरनी पड़ती है आपको। ये आपका H प्लस आयन हो गया, और यहां पर जो आपके पास गैस भरी जा रही है वो कौन सी है, H2 गैस, और यहां पर भी H2। और जब भी गैस होती है, कोई सॉलिड नहीं होता, तो ये क्या लिया जाता है, प्लैटिनम वायर, जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सके। खैर ये चीज तो हम आगे कर ही लेंगे और अच्छे से, लेकिन अभी हमारे पास क्या काम है कि हम चाहते हैं, हमें मालूम है इस पॉइंट के लिए क्या बोल सकते हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है इस जगह, जीरो, क्योंकि सेम टाइप इलेक्ट्रोड आ गए। डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, डेल्टा जी नॉट जीरो, डेल्टा जी की वैल्यू, ई की वैल्यू नॉट जीरो, तो ये दोनों नॉट जीरो है, पक्का ये दोनों नॉट जीरो है, कोई डाउट नहीं है, श्योर, लॉक कर दें। अब एक और चीज हमारे पास आ रही है, अब निकालो, अब एक बार ध्यान रखना कि यहां पर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहां पर ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, इस तरफ H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, और H2 का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम, सॉरी रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए, तो यहां पर H2 का प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा, और H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम, इस तरफ वाले में, इस तरफ H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा, और H2 का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम। लिखो जल्दी से, देखो ध्यान से, यहां जो आपके पास आ रहा है 0 माइनस 0.059 अपॉन n फैक्टर तो रहेगा, और बस ये चीज, बस सिर्फ नर्स इक्वेशंस का लिखना है, और यहां पर आपको 0.0591 अपॉन n फैक्टर log q, ये तो रहेगा ही रहेगा आपको, ठीक है ना, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने इसको तेजी से लिया था, अदरवाइज और कोई यूज नहीं।